Festival India, which is very, very close to me. It's the 3.0 this year, and Vani supported me last year, and she's here again to support me, as always. तो आज हमारे साथ सेलिब्रिटी इधर ही है, तो क्यों ना हम उनसे पूछें कि क्या है कि उनको इतना, मतलब वो आती रहती है मेरे साथ ट्रेन करने को, तो उनके ही मुंह से आप सुनिए क्यों. पर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिब्रिटी यास्मिन है और इनकी फिटनेस लेवल बहुत ही अनबीटेबल है. मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ यास्मिन मुझे आपके जैसे आर्म्स चाहिए, आपके जैसे लेग्स चाहिए, द टोनिंग दैट यू हैव एंड ऑल यू नो. पर ऑफ कोर्स इनको 30 साल का भी तजुर्बा है एंड मैंने अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के 1.5 घंटा बांद्रा आती हूँ अपने घर से जस्ट टू लाइक वर्कआउट हियर, बिकॉज मुझे लगता है द काइंड ऑफ वर्कआउट शी मेक्स फॉर मी. और मुझे लगता है हर इंसान का एक डिफरेंट बॉडी टाइप होता है, एक ट्रेनर उनके आप बॉडी टाइप समझता है एंड देन अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट रिकमेंड करते हैं एंड देन यू नो दे मेक द होल प्लान अकॉर्डिंगली. एंड आई हैव बीन सो फार सो हैप्पी, सुपर सुपर हैप्पी वे सीक्रेट. सीक्रेट टिप्स क्या हैं? सबसे सीक्रेट ये टिप है कि जो भी आप करें उसमें आप दिलचस्पी हो, जो आप इंजॉय करते हैं. क्योंकि अगर आप, अगर वानी कोई एक्सरसाइज कर रही है, कटरीना वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, या जो कटरीना कर रही है वो आलिया नहीं करेगी. जो कोई जो एक्सरसाइज करता है वो उनके लिए होती है, उनको पसंद आती है, उनमें ये मोटिवेशन होता है. तो मेरा सीक्रेट ये है कि मैं हर किसी को वही एक्सरसाइज देती हूँ जो उनको अच्छी लगे, जो उनको रिजल्ट्स दिखाए. माई मंत्रा इज़ दैट इफ़ यू फील गुड डूइंग सम एक्सरसाइज, यू आर गोना डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एंड यू नो फिटनेस इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. तो अगर आपको ये जर्नी लाइफ लॉन्ग करनी है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इंजॉय करें वो जर्नी को, राइट? हम लोग जो भी जर्नी अच्छी नहीं लगती है वो स्टॉप करके कहीं और चले जाते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप चेंजिंग. आई थिंक वानी जब भी आती है, हम लोग 2 दिन लगातार सेम वर्कआउट नहीं करते. द वर्कआउट इज़ डिफरेंट और वर्कआउट ऑल्सो डिपेंड करता है इनके फिजिकल स्ट्रेंथ वो दिन के लिए. कभी वो वर्क शूटिंग से आती है थकी हुई होती है, उसमें एनर्जी नहीं है, या तो नाइट शूट होता है दोपहर को वर्कआउट करने आती है, यू नो शी इज़ टायर्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंस्ट्रक्टर फॉर मी टू अंडरस्टैंड what her body feels like and still to be able to give her what she requires to feel good first of all and then of course to look good. So as we know, it's third time this festival is going to happen. Tell us what's new and exciting this year. Lots of new things this year. We are doing aerial pilates, which is on a hammock. We are doing cardio lattes, which is on a trampoline. We have instructors coming from Panama, America, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड दुबई. तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो यू नो दुनिया भर से आ रहे हैं. दे आर ऑल मास्टर इंस्ट्रक्टर्स, वेरी वेरी पॉपुलर इन देयर फील्ड. दे इंस्ट्रक्टर्स जो जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया है 5 साल पहले, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई वांट टू बी लाइक दीस पीपल, एंड टुडे दे आर कमिंग टू द फेस्टिवल. सो फॉर मी दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग to have them in my country, to host them in my country, to have people in my country be able to experience and work with these amazing instructors. And kyunki hamara festival ye time beach pe hai, we have a lot of beach activities. We have pilates that we're doing on the beach. We've covered 4000 square feet ऑफ द बीच विद कार्पेट, बिकॉज मुझे वर्कआउट करते समय सैंड अपने आप में चाहिए नहीं. सो आई वॉज लाइक आई टोल्ड माई टीम के आई नीड टू वर्कआउट ऑन द बीच बट आई डोंट वॉन्ट सैंड ऑन मी. सो ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट सैंड, आई कान एक्सपेक्ट पीपल हु आर कमिंग टू वॉन्ट इट. सो वी कवर्ड द बीच एंड वी आर गोना बी वर्किंग आउट देयर. एंड वी हैव बीच वॉलीबॉल हैपनिंग, वी हैव बीच क्रिकेट हैपनिंग, we have somebody who's coming to sing one night, we have a mentalist who's coming to do tricks, we have an award function happening, we have a nutritionist who's going to be speaking about hormones and how people react to hormones. So there is a lot that I'm trying to pack in. I want it to be a very holistic approach. Of course, the Leela has an amazing spa, so there are massages available to people. And now I want to go. Yeah, and the food, oh my god, is just outstanding. Appams and you know neer dosas and all the
Kerala food is so great, and I'm very passionate about this because Pilates is something that's so close to me, and everyone who works out with me absolutely loves it, and I want to share it with everyone in India. And we have about 10 people coming from Dubai, we have someone coming from Ghana, we have someone coming from America, so it's really exciting for me. Okay, Vani, tell us, when you're also going to join, so how excited are you? Well, I'm really trying right now with the shoots and all, because I'm also in the midst of shooting Shamshera. So if time allows, I would love to be part of this also, because it's Kerala, it's Yasmin, there's Pilates happening, and it's a proper, like how she mentioned, a holistic approach hai, and there's so much jo mujhe bhi seekhne ko milega jo kabhi kabhi yahan pe main nahi kar pati hu. I think all these trainers that she's speaking about, you know, getting their point of view and having a Yasmin on board, and it's just very special. I think it's very informative also. It's a good walk also, I feel like, with all due respect to the it's their belief and all. I think it's good that they have a strong belief, and you know, wo blessings lena chahte hain apni movie ke release se pehle. Okay, Vani, ek sawal aur puchna chahungi, ye hai ki na Supreme Court ka faisla jo hai wo bahut hi bada. I can only keep it to fitness today. Sorry. Thank you so much. It's Yasmin's event, and I want to not take it anywhere else. Thank you. Thank you.